फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेज पेपर नंबर सिक्स एफ एम के सिलेबस में आपके पास टोटल दस चैप्टर्स हुआ करते थे टोटल दस चैप्टर्स हुआ करते थे ओप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग रेशियो एनालिसिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज कैपिटल बस्टिंग रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग डिविडेंट डिसीजन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये टोटल दस चैप्टर्स हमारे पास हुआ करता है हुआ करता था जब तक हम एफ एम ई को में थे यानी कि ओल्ड सिलेबस की बात करें तो अब जब न्यू सिलेबस है जो हमारा ट्वेंटी ट्वेंटी फोर जो आपका साल है मई चौबीस आपका है आप किसी भी शर्त पे बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट लाने जा रहे हो आप फोड़ने जा रहे हो पेपर को है ना सारे पेपर तो टोटल नाइन चैप्टर्स हो गए में FM में हमारे पास टोटल नाइन चैप्टर्स है ये चैप्टर्स कहाँ से आया ये चैप्टर क्यों हुआ ये चैप्टर इस तरह से क्यों है डोंट वरी अबाउट दैट मैं आगे उसको कवर करने जा रहा हूं और जैसा ये हमारा पहला क्लास है इंट्रो क्लास है तो यू मस्ट बी नोइंग सम बेसिक फैक्ट्स है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी भी है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग अभी भी है रेशियो एनालिसिस है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो ये चैप्टर क्या हो गया भाई डिलीट हो गया डिविडेंट डिसीजन हमारे पास अभी भी है ये तो होगा ही होगा एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारे पास अभी ऑल टूगेदर so, हमारा नंबर ऑफ चैप्टर क्या हो गया रिड्यूस हो गया चैप्टर्स पे आ गए तो 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 ये ये फायदा 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 हो 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 गया 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 सर अरे नंबर चैप्टर अगर रिड्यूस हुआ जरा तो जरा सोचो आप इसको ध्यान से समझो इस बात को कि पहले साठ नंबर का हुआ करता था एफएम और चालीस नंबर का होता था इको अब ये एफ एम रिड्यूस होकर पचास नंबर का हो गया है तो फिफ्टी मार्क्स समझ रहे कि क्वेश्चंस को किस तरह से बनाएंगे अब ऐसा तो है नहीं भाई एक ही चैप्टर से सारे बढ़ाना होगा दूसरा इसका देखो, कि अगर 50 का एफएम है तो 50 का एसएम हो गया तो जो रोल एफ प्ले करेगा ना एक्सैक्टली exactly वही रोल एस प्ले करेगा और दोनों को हमें क्या करना होगा दोनों को हमें सही तरीके से बैलेंस करके चलना होगा दिस चैप्टर वॉज डिलेटेड इसके अलावा भी

प्रॉब्लम नंबर टेन इलेवन को ऐड किया गया यानी कि कुछ क्वेश्चन कुछ नए क्वेश्चन एड भी हुए एंड कुछ कॉन्सेप्ट को डिलीट भी किया गया फाइनेंसिंग डिसीजन के बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर आप लीवरेज की अगर आप बात करो लीवरेज में क्वेश्चन नंबर बारह एड हुआ है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी आपको एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर हुआ है डिविडेंड डिसीजन में इन ऑफ डिविडेंड डिसीजन इसको रिमूव कर दिया गया है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकलेशन एंड डिविडेंड पॉलिसी डिजायर ऑफ शेयर होल्डर रिप्लेड बाई पे आउट पॉलिसीज अंडर विच देयर कॉन्स्टेंट डिविडेंड पॉलिसी एंड द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी यहाँ भी आपको कॉन्सेप्चुअल चेंज दिखेगा लिंटर मॉडल एंड इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ गॉर्डन मॉडल को एड किया गया एंड डॉड मॉडल को रिमूव कर दिया गया छोटा सा मॉडल था ना ग्राम एंड डॉट आपको आपको तो नहीं पता होगा कोई बात नहीं रिमूव कर दिया गया है तो अभी आपको पढ़ना भी नहीं है एंड पीपी वन वॉज रिमूव एंड प्रॉब्लम नंबर एंड इज एडेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम को हम पीपी बोलेंगे तो पीपी वन को हटाया गया और एट नाइन को क्या किया गया एड किया गया क्यों हटाया गया तो उस कॉन्सेप्ट आधारित है जो कॉन्सेप्ट हटाया गया तो प्रॉब्लम हटेगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करो यूनिट वन नो चेंज यूनिट टू नो चेंज यानी कि इंट्रोडक्शन में और ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट में कोई चेंज नहीं है लेकिन जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाते हैं ठीक है तो इसमें भी कुछ खास आपको चेंज नहीं मिलेगा मैनेजमेंट और रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है मैनेजमेंट और पेबल में कोई चेंज नहीं है लेकिन जो फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल है ना इसमें से मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस जो है आपका एम इसको हटा दिया गया है क्या हो गया टंडन कमेटी का इसको रिमूव कर दिया गया है ठीक है अच्छी बात है रिमूव कर दिया गया है तो और एक प्रॉब्लम ऐड किया गया है प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन तो हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है कुछ रिमूव किया गया है कुछ चैप्टर ऐसे भी है जो बिल्कुल भी नहीं छुआ गया है अनचेंज है पूरी तरह से और आप देख सकते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को हटाया भी गया है कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को ऐड किया गया है राइट सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज टिल नवंबर 23 एंड व्हाट इज गोइंग टू बी इन मे 24 एग्जाम राइट तो ये आपका क्या है ये सिलेबस का कंपैरिजन है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में नवंबर 23 तक जो सिलेबस है उसमें बालक टोटल आठ चैप्टर है लेकिन जो मे चौबीस में जो इसमें हमारे अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होने जा रहा है ना उसमें सिर्फ पांच चैप्टर है ये लो अब इससे अच्छी खबर क्या चाहिए आपको कहा आठ चैप्टर कहा पांच चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर्स क्या हो गए रिड्यूस हो गए तो अगर नंबर ऑफ चैप्टर्स रिड्यूस हो गए तो हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ हम कहते हैं हमारे लिए फायदा हुआ फिर आप बोलना कि अरे नहीं रुको फिर बोला सर क्या क्या है इन्होंने क्या वाकई इन्होंने सिलेबस को छोटा कर दिया है तो जवाब है नहीं मेजॉरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो पहले था दो हजार वर्ड कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैव बीन एडेड तो ऐसा कतई आप बिल्कुल भी दिमाग में ऐसा कंसेप्शन मत लाइएगा कि आठ से पांच हो गया तो आसान हो गया पहले जब आठ चैप्टर थे तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे बहुत ही छोटे चैप्टर्स थे बहुत ही छोटे चैप्टर्स थे दो क्लास तीन क्लास में खत्म हो जाता था अब उन्होंने क्या किया कि हर एक चैप्टर का जो लेंथ है ना वो कंसिडरेबल लेंथ है और आपका जो पढ़ना है ना जितना वो ऑलमोस्ट सेम पढ़ना है बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया गया है और कुछ कौ, पुराने कॉन्सेप्ट्स को हटाया भी गया है लेकिन आपका जो मेहनत है वो आपको सेम लेवल का करना होगा स्ट्रक्चरल चेंज है कंटेंट बदला गया है हेडिंग्स बदली गई हैं थियोरीज को रीऑर्गेनाइज किया गया है तो हम प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के आधार पे भी इसको हम लेके नहीं चल सकते आपको बिल्कुल फ्रेश अप्रोच रखना होगा अगर आपने पहले एसएम को कभी पढ़ा हुआ है तो है ना तो टोटल पांच चैप्टर है हमारे पास देखो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट स्ट्रैटेजिक चॉइसिस एंड देन स्ट्रैटी इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेलुएशन तो चैप्टर वाइज कंटेंट पर डिस्कशन हम तब करेंगे जब एस एम स्टार्ट करेंगे हमारे बैच में वॉट वी आर गोइंग टू डू इज हमारे बैच में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एफ एम यहाँ हम क्या करेंगे एफ एम से स्टार्ट करेंगे तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को शुरू कर देते हैं